हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो इससे पहले हमने कवर कर ली है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1, टोटली कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बेस्ड है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैंने इससे पहले भी जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने की हैं इसे प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, वहां पे भी मैंने एक चीज बोली आपसे कि आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम करनी है तो आपको पहले तो उसको बहुत अच्छे से रीड करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को रिलेट करना है अपने जो रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं, जहां पे भी आप उन सब चीजों को देखते हैं उनसे आप उसको रिलेट करिए, तब जाके उस क्वेश्चन को समझिए। तब आप करेंगे तो आपको शायद उस क्वेश्चन को करने का मजा ही अलग होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 3.6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट का मतलब है कि जो वाटर की फ्लो है, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी क्या स्पीड है, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, ठीक है, आपको एक प्लेस बता दिया गया, जैसे ये है हमारा हरिद्वार, ठीक है, और ये प्लेस क्या कौन सा है हमारा प्रयागराज, ठीक है, गंगा जी यहां से फ्लो करती है, अब वो ऐसे स्ट्रेट तो आएंगे नहीं सीधे सीधे, ठीक है, तो आपको भी पता है ये हिल एरिया होता है, तो हिल एरिया दैट्स मीन ये एक हाइट पे है और ये थोड़ा सा उससे कुछ हाइट से नीचे होगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स कैसे बोल सकते हैं हरिद्वार से किस डायरेक्शन में होगा, प्रयागराज की तरफ, ठीक है। तो जो रितु है वो हरिद्वार में है इन प्रेजेंट में, ये उनकी बोट है सपोज रितु की, ठीक है, और रितु जो है डाउन स्ट्रीम करती है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जो वाटर का फ्लो है उसके साथ अगर स्ट्रीम कर रही है वो, तो उनको लगते हैं टाइम लगता है उनको 2 आवर्स 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में, समझ में आया। एंड सिमिलरली जब यहां पर होती है रितु, ठीक है, और इनको अपवर्ड में जाना होता है, मींस अप स्ट्रीम जाना होगा, तो इनको लगते हैं 2 आवर्स फॉर डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यहां पे लगते हैं 2 आवर्स फॉर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। कुछ तो चीजें आसान सी हैं कि भाई ऑफकोर्स इतना सो कॉमन है कि अगर हम जब वाटर के फ्लो के साथ आएंगे तो हमें मेहनत कम करनी है, हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो हम डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, बट यहां पे हमें अपवर्ड अपस्ट्रीम जाना है, दैट मींस हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, अपोज करेगा हमारे जो भी हमारा मोशन होगा उसको अपोज करेगा, तो यहां पे ये स्लो हो जाएगा। तो चलिए इसकी इक्वेशंस कैसे होगी उसको हम देखते हैं। तो हमें जो 2 स्पीड बतानी है हम अगेन वही क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका क्या है कि स्टिल वाटर मतलब हमें वाटर से कोई मतलब नहीं, जो बोट है या जिससे भी वो रोइंग कर रही है उसकी स्पीड क्या है वो हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सेकेंडली हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर इज वाई किलोमीटर पर, ठीक है, जो स्पीड ऑफ वाटर का फ्लो है जो वो क्या है वाई किलोमीटर, मतलब ये जो वाटर है ये वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या कि अगर यहां पे डिस्टेंस कितनी हो गई, फर्स्ट केस में डिस्टेंस है हमारी, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर, एंड सेकेंड केस में क्या बात कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट केस में डिस्टेंस हो गई हमारी, टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स टू 2 आवर एंड स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में जिसपे इनको डाउनवर्ड आना है, इस केस में इनकी स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर,
ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो नीचे आ रही, पहले तो उनकी खुद की कुछ स्पीड है, साथ में वाटर की स्पीड दोनों ऐड होंगी इसमें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको भी पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई और ये किलोमीटर पर आवर्स इक्वल्स टू डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर, इसको ऐसे ना लिख के 20 बाई 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो यहां पे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं सिमिलरली सेकेंड कंडीशन जो है, ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी, उस पे हमने डिस्टेंस और जो टाइम है, जो स्पीड है वो देख ली। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन की, और सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 किलोमीटर एंड टाइम सेम है, सो 2 आवर्स एंड बार बार हम एंड यूज नहीं करते हैं कॉमा, और यहां पे एंड यूज करेंगे, एंड टाइम के अलावा हमें स्पीड, सो स्पीड इक्वल्स टू, यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, अब जो रीतु की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में जानी है, बट जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, सो क्या होगा यहां पे, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये हो जाएगी रीतु की स्पीड। तो सिमिलरली हम यहां पे फिर से क्या करने वाले हैं, स्पीड का फॉर्मूला, सो स्पीड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस है 4/2, इसको हम सॉर्ट करके लिखते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, This is our second equation. तो हमारे पास first equation है x plus y equals to 10 and x minus y equals 2. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? We add equation 1 and 2. ठीक है? 1 और 2 को क्या करना है हमें? Add कर लेना है सिर्फ. तो x plus y एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2. सो सिंपली यहां पे हम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिख लेंगे और इसको कर देंगे एड, तो एड करने पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से ही एड करते हैं 2x और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2x इक्वल्स टू 10 टू 12, एक्स इक्वल्स टू 6. So, x की वैल्यू आ चुकी है एंड अब इस x की वैल्यू को उठा के हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, सो x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 4. सो यहां से अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो x मींस स्टिल वाटर की स्पीड क्या आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर एंड जो हमारा वाटर का फ्लो था, वाटर की जो स्पीड थी वो वाई थी, तो वाई की क्या हो गई, दिस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर. सो यहां पे लिखेंगे हेंस, तो हेंस लिखने के लिए हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमें यहां पे स्पेस, हेंस स्पीड ऑफ करंट इज, दिस इज योर आंसर. आई होप ये चीज आपको समझ में आई किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि अगर आपको अपवर्ड और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे x प्लस वाई क्यों हुआ, x माइनस वाई क्यों हुआ, तो आप सिंपली डायग्राम बनाएंगे, तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन
नहीं होगा, यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि अगर अपर डाल रहा है तो दोनों जो हमारी स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ इतना कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की, उससे पहले इसको हम करते हैं रेस। ओके, सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज, टू वुमेन एंड फाइव मेन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, व्हाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। मतलब कोई एक काम है जो कि करने में कितने, अगर 4 days में वो कवर फिनिश हो रहा है तो उसमें कितने लोग लग रहे हैं, टू वुमेन फाइव मेन अगर वर्क करते हैं तो वो वर्क 4 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। सेम वर्क अगर 3 वुमेन 6 मेन करते हैं, 3 वुमेन एंड 6 मेन करते हैं तो कितने दिन में फिनिश होता है, 3 डेज में फिनिश हो जाता है। तो बात करें अगर वन वुमेन इस काम को करती है, सिर्फ एक महिला अगर इस काम को करती है तो कितने दिन लगेंगे, और अगर स्पेसिफिक वन मैन काम कर रहा है, एक आदमी काम करेगा तो इसमें कितने दिन लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज पूछी जा रही है उसको हमें करना है लेट। सो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सेकेंड, तो करते हैं लेट। लेट वर्क डन बाय वन वुमेन is x days and let work done by one man is y days। ठीक है, ये चीजें हमने let कर ली कि x और y days जो होंगे, अगर वुमेन एक दिन में काम कर रही है, सॉरी एक वुमेन काम करती है इस पूरे काम को तो उसको लगते हैं x days, अगर वहीं पे मैन काम करता है तो उसको लगते हैं y days। ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा ये आंसर होगा। तो अब बोलते हैं कि फर्स्टली बोला गया है क्या कि टू वुमेन एंड, तो यहां पे ये बोला गया है फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि टू वुमेन अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस, और कितने मैन है उसमें 5, सो 5 by y, 1 upon कितने डेज ले रहे हैं 4, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। बट इसको हम अभी और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 4 एज ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 by x plus 20 y equals to 1, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नहीं, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सेकेंडली बोल रहे हैं कि कितने कितनी वुमेन, 3 वुमेन है, कितने दिन है उनके x प्लस, और 6 men y days and 1 upon 3, टोटल डेज कितने हैं 3। सो यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे भी हम अगेन क्या कर सकते हैं, 3 3 is 9 by x plus 6 3 is 18 upon y equals to 1, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 1 by x है और यहां पे भी 1 by x, यहां पे 1 by y एंड यहां पे भी 1 by y, सो हम यहां पे लेट कर देंगे लेट 1 by x equals to a एंड 1 upon y equals to b। सो यहां पे अगर ये सेकेंड थी तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये हमारी थर्ड क्वेश्चन, राइट। सो यहां पे इसको हम थोड़ा डार्क भी करना चाहेंगे, ये हमने लेट कर लिया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें करना क्या है, पहले तो वैल्यू चेंज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 8a plus 20b equals to 1, दिस इज अवर फिफ्थ इक्वेशन। एंड सिमिलरली सेकेंड क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ये 9 by x, सो मीन्स 9a plus 18b equals to 1, दिस इज अवर सिक्स इक्वेशन।
राइट। तो यहां पे क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी गेट, अब हमें फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू वन माइनस ट्वेंटी बी अपॉन एट, एंड इसको हम लेट कर लेंगे सेवेंथ इक्वेशन। We put equation 7 in equation 6, right? So 6 में put करेंगे अगर, A की place में हमें क्या put करना है? So 9, 1 minus 20B upon 8 plus 18B equals to 1. So इसको solve कर लेंगे. So यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9A माइनस 180b 18b इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहां पे अभी हमें क्या करना है, सिंपली 8 एज एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 8 एलसीएम। सो यहां पे 9 ये नहीं लिखना है, 9 होगा सिर्फ, ठीक है, 9 आंसर 9, 9 माइनस 180b एंड 18 8 जा 164 प्लस 64 144 बी, ठीक है, इक्वल्स टू 1। सो यहां पे ये माइनस हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 9 माइनस 36 अपॉन 36 बी अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। सो यहां से 9 माइनस 36 बी इक्वल्स टू 8, 36 माइनस बी इक्वल्स टू 8 माइनस 9, सिंपली यहां पे हो जाएगा आपका 36 बी इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 36, ठीक है। सो ये वैल्यू हो गई b अपॉन 1 अपॉन सॉरी b इक्वल्स टू 1 अपॉन 36, ये b की वैल्यू है और इसको हम लेट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 7 के बाद, ये हमारी इक्वेशन है 8। वी पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 7 एंड वी गेट, तो सिंपली हमें इसको यहां पे पुट कर देना है। सो a इक्वल्स टू 1 माइनस 20 इनटू 1 अपॉन 36 अपॉन 8, यहां पे इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सो 1 माइनस 20 अपॉन 36 अपॉन 8, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, कोई नहीं। सो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पे 36 एज एलसीएम अपॉन में थोड़ा सा डिस्टेंस भी लिखते हैं, a equals to 8, ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, 8 को हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 36 और यहाँ पे 36 माइनस 20 और ये 8 इंटू 1 बाय 8, राइट। ये वैल्यू हो जाती है आपकी 16 अपॉन 36 into 1 upon 8. 8 ones are 8 into the 16, 2 ones are 2 or 2 18s are. So, A ki value kya aagi? A equals to 1 upon 18. To yahan pe humne jo let kiya tha, wo hum likhenge ab. Kya? A ki value, if A equals to 1 upon 18 and B equals to 1 upon 36. अगर a की वैल्यू 18 है और b की वैल्यू 36 है, सो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 बाय 18, सॉरी हाँ जी, एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 36, सो hence
x equals to 18 days and y equals to 36 days. मतलब कि वुमेन्स को 18 डेज लगते हैं एंड मेंस को 36 डेज सेम वर्क को करने में लगेंगे अगर आप इसको कर पाते हैं सिर्फ सिंगल सिंगल वुमेन से और सिंगल सिंगल मेन से। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं।